بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم dear students my name is Jafar Wazir I'm your computer science teacher आज का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ आज की जो वीडियो जिसके बारे में बन रही है दैट इज आईपी एड्रेसिंग लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले हम अपना लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा था दैट वाज डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा कि जब आप नेटवर्क पर डेटा सेंड करते हो या रिसीव करते हो या किसी डिवाइस को आप एक्सेस करते हो तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कोई प्रोटोकॉल्स हैं गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं उन गाइडलाइंस के थ्रू उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू पॉसिबल होता है कि डेटा किस तरह सेंड होता है और किस तरह रिसीव होता है तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है दैट इज आईपी एड्रेसिंग एड्रेसिंग जैसे आप लोगों को पता है या आप वाकिफ हैं कि जब आप कोई लेटर सेंड करते हैं कोई एप्लीकेशन सेंड करते हैं प्रिंसिपल को कोई आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप उस पर एड्रेस ज़रूर लिखते हैं बहुत ज़रूरी है तो इंटरनेट पर भी जब आप नेटवर्क पर आप अवेलेबल होते हैं आपके पास कोई भी नेटवर्क है या स्टेशन भी बोलते हैं ये उसके साथ दूसरा सिस्टम कनेक्ट है होस्ट कनेक्ट है या नोड इसे बोल सकते हैं स्टेशन बोल सकते हैं इधर आपके पास एक प्रिंटर है PRINTER जो कि नेटवर्क पर शेयर है दोनों सिस्टम जो है दोनों होस्ट है इस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं यूज कर सकते हैं कुछ आई थर एक फोर्थ आपके पास स्कैनर है ऑफिस में स्कैनर है आपके पास ये भी नेटवर्क पर आपने शेयर किया है एक छोटा सा नेटवर्क बनाया है जिसकी लेन टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क आपने अपने ऑफिस में बनाया है तो होस्ट है फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा आठ जितने भी हैं तो इस होस्ट को फॉर एग्जांपल प्रिंटर चाहिए तो ये उसको कैसे एक्सेस करता है या इस होस्ट ने इस होस्ट के साथ नंबर टू के साथ बात करनी है तो किस तरह बात करेगा या इस होस्ट ने स्कैनर यूज करना है तो कैसे यूज करेगा तो ये सब पॉसिबल होता है आपके पास आईपी एड्रेसिंग के थ्रू आईपी एड्रेस आप नेटवर्क पर आपके पास जो चीज भी अवेलेबल होती है जो भी नेटवर्क पर आप यूज कर रहा होता है तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है अगर वो होस्ट है कोई कंप्यूटर है तो उसका अपना आईपी एड्रेस होगा इसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा और प्रिंटर जो है उसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा उसको भी आप एड्रेस देंगे और अगर स्कैनर है तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा तो आईपी एड्रेसेस के थ्रू ये एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं एक दूसरे की रिसोर्सेस को यूज करते हैं इसको प्रिंटर चाहिए तो प्रिंटर आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा उसको रिक्वेस्ट करेगा या उसको पेजेस सेंड करेगा इसमें प्रिंट करना है तो नेटवर्क के थ्रू इस आईपी एड्रेस को डॉक्यूमेंट सेंड करेगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है कोई वो डॉक्यूमेंट उसमें प्रिंट करना है या कोई नोटिफिकेशन प्रिंट करनी है तो इसकी आईपी एड्रेस को सेंड नहीं करेगा बल्कि इसकी अपनी आईपी एड्रेस होगी इसकी अपनी आईपी एड्रेस अगर ये इसको सेंड करेगा तो प्रिंट नहीं होगा या इसको सेंड करेगा तो प्रिंट नहीं होगा तो ये प्रिंटर की आईपी एड्रेस पर जब सेंड करेगा तो इसका काम हो जाएगा और प्रिंटिंग हो जाएगी तो सबसे पहले आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि आईपी एड्रेस सेम इस तरह काम करता है जिस तरह आप रियल लाइफ में एक लेटर्स भेजवाते हैं घर का एड्रेस फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 38 स्ट्रीट नंबर G3N रोड नंबर व्हाटएवर रोड का नाम और सिटी का नाम पिशावर फॉर एग्जाम्पल तो ये आपका एक फिजिकल एड्रेस होता है तो आईपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब ये आपके पास इंटरनेट का एक प्रोसीजर है एक स्टैंडर्ड है या एक गाइडलाइन है तो ये क्या होता है ये एक यूनिक नंबर होता है यूनिक मतलब स्पेशल नंबर होता है एक खास नंबर होता है जो सिर्फ एक बने फॉर एग्जाम्पल NIC जो नंबर है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपका यूनिक होता है आपके पेरेंट्स का NIC नंबर यूनिक होता है कॉलेज में आपका रोल नंबर यूनिक होता है खास है स्पेशली आपके लिए डिजाइन होता है कि आपका नाम जो है वो भी यूनिक है सिर्फ आपके साथ ही होता है तो आईपी एड्रेस
हर सिस्टम का अपना होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक सिस्टम को, प्रिंट को, कंप्यूटर को नेटवर्क पर असाइन करते हैं आप लोग। ये एक यूनिक नंबर है आपके पास, सही है। तो ये कह रहे हैं, अ होस्ट इज अ डिवाइस दैट सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइस इज ट्रांसमिट द डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। पेज नंबर 166 पे है ये टॉपिक आपके पास, तो आप उसे जाके पढ़ सकते हैं कि ऑन अ लैन ईच होस्ट एंड नेटवर्क डिवाइस मस्ट हैव एन आईपी। कि जब आप लैन पे कोई नेटवर्क बनाते हैं, अगर उस पे कोई होस्ट है या कोई सर्वर है, कोई प्रिंटर है, तो सबका अपना आईपी एड्रेस होगा, अदरवाइज उस पर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो आईपी एड्रेस सबके लिए जरूरी है और ये एक खास नंबर है आपके पास। एन आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो तरह के होते हैं। नंबर वन स्टैटिक STATIC आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक। नंबर टू इट कैन बी डायनेमिक DYNAMIC। IP address या तो आपके पास static होगी या आपके पास dynamic होगी। Static आप लोगों को पता होगा, maths में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाकी computer chemistry में भी आया होगा। Static means stable, ना जो change नहीं होता, वो value जो change नहीं होती। तो अगर आपने एक computer के एक for example आपका जो roll number है 255, तो जब तक आप study कर रहे हैं इस कॉलेज में है, तो ये रोल नंबर आपका स्टेटिक ही रहेगा। क्यों? आप एक साल, दो साल, तीन साल, जितने भी स्टे है आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, तो ये नंबर आपके लिए स्टेटिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैथ फिजिक्स में भी आप लोगों ने स्टेटिक पोर्शन होगा। तो स्टेटिक इज फॉर स्टेबल, वो आईपी एड्रेस जो चेंज नहीं होती हो। एक दफा आप किसी को आईपी एड्रेस साइन कर दें तो वो कभी चेंज नहीं होती। और डायनेमिक जो स्टेटिक ना हो, चेंजेबल, जो चेंज होती हो, मतलब ये स्टैटिक नहीं होती। जब आप नेटवर्क पर, एक दफा नेटवर्क से आप चले गए, आपने कंप्यूटर लॉग ऑफ कर दिया, शट डाउन कर दिया, लाइट चली गई है, आप दोबारा जब लॉग इन हो गए हो, नेटवर्क पर आ गए, तो आपकी आईपी चेंज हो जाती है। फिर थर्ड टाइम आप लॉग इन हो गए, फिर आईपी चेंज, रोजाना आपकी आईपी चेंज होती है। जब आप लॉग ऑफ होते हो या लॉग इन होते हो नेटवर्क पर, तो आईपी एड्रेस आपकी चेंज होती रहती है। तो ये आपके पास है डायनेमिक, चेंजेबल, और स्टैटिक मींस स्टेबल। तो ये दो टाइप्स हैं आपके पास, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस की चेंज। आप लोगों ने पढ़ा कि ये एक यूनिक नंबर है और फिर इसके दो टाइप पढ़ी के, स्टैटिक और डायनेमिक। अच्छा, आईपी एड्रेस मेड अप ऑफ 32 बिट्स। आईपी एड्रेस जो होती है ये 32 बिट्स से बनी होती है। आपने मेमोरी चैप्टर में पढ़ा है कि बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1, एक बिट होता है या 0 होता है या 1 होता है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 इज अ बिट, 1 इज अ बिट, तो 32 बिट्स मींस 32 जीरोस या 1 या इन दोनों का मिक्सचर, 0101 या 1100, तो 32 सीक्वेंस में लेके जाए, तो ये आपके पास आईपी एड्रेस होती है। इसका साइज होता है 32 बिट्स होता है आपके पास। तो आपके पास जब आप 8 बिट्स जमा करते हो, 8 बिट्स जमा करते हो, तो उससे क्या बनता है, बाइट चैप्टर मेमोरी, सेकंड चैप्टर है कि आपके कोर्स का। तो उससे आप लोगों ने सीखा कि 8 बिट्स इक्वल टू बाइट, लेकिन इसको ऑक्टेट्स भी बोलते हैं, OCTE, ऑक्टेट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टेट या बाइट या 1 ऑक्टेट। तो जब आप आईपी एड्रेस में बनाते हो, तो 32 बिट्स आप इसको डिवाइड करते हो 8 बिट्स में, चार पोर्शन होते हैं, और इसको आप 8 बिट्स में, 8 बिट्स या 1 ऑक्टेट, OCTE, 8 बिट्स और ये भी 1 ऑक्टेट, 8 बिट्स इसके भी और या 1 ऑक्टेट और 8 बिट्स इसके भी या 1 ऑक्टेट। तो 8 + 8 + 8 + 8 इससे टोटल बनता है आपके पास 32 बिट्स या 1 ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट आपके पास बनते हैं 4 ऑक्टेट। तो इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस आपके पास बना होता है 32 बिट्स का या 4 ऑक्टेट्स का, सही है। फिर आपके पास है, इसमें दो चीज होती है, एक होती है नेटवर्क आईडी और एक होती है आपके पास होस्ट आईडी।
या नेटवर्क पोर्शन या बहुत आइडिया, इसके दो पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क पोर्शन या आईडी नंबर वन, नंबर टू इज होस्ट पोर्शन या आईडी। एक होता है आपके पास नेटवर्क, आप इसको इस तरह एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन, और एक होता है आपके पास होस्ट आईडी। जब आप आईपी एड्रेस डिजाइन करते हो तो उसमें एक पोर्शन होता है नेटवर्क का और एक या दो पोर्शन, ये डिपेंड करता है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन नेटवर्क और होस्ट पोर्शन, ये दो पोर्शन आपके पास होते हैं एक आईपी एड्रेस के। और याद रखें कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, और या 4 ऑक्टेट्स का होता है, एक ऑक्टेट में आपके पास 8 बिट्स होते हैं, 8 से ज्यादा इसमें नहीं आ सकते। तो क्लियर है यहां तक आप लोगों को? नेटवर्क पर डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, इसका मेन मकसद यही है। और इसमें 32 बिट्स होते हैं, आईपी एड्रेस 32 बिट से बनी होती है, या मतलब 4 ऑक्टेट से बनी होती है, एक ऑक्टेट में आपके पास 8 बिट्स होते हैं, और इस तरह 32 बिट्स आपके पास टोटल होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपकी, इसमें आपके पास आता है नेटवर्क के आईडी की क्लासेस, ये बुक में आपके पास एग्जांपल है कि जब आपके पास एक ऑक्टेट होता है, एक ऑक्टेट, उसका रेंज 0 से स्टार्ट होता है और 255 तक, इसमें डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं, डेसिमल वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5 इससे, तो 0 से लेकर एक ऑक्टेट में आपके पास 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं। इस तरह फिर सेकंड ऑक्टेट में 0 से 255, थर्ड में, फोर्थ में, और इस तरह सो ऑन। तो एक ऑक्टेट में आपके पास 255 वैल्यूज आती हैं, या बुक में गिवन है। अच्छा, फॉर दिस रीजन आईपी एड्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन डॉट इज डेसिमल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये का फोर आईपी एड्रेस दी गई है, एक आईपी एड्रेस है डेसिमल फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में, 10 पॉइंट, आप इसको पॉइंट के थ्रू सेपरेट करते हैं, 10.1.23.19, 23.19, तो ये चारों आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं, 10.4.23.9। पॉइंट किस चीज को शो कर रहा है? ऑक्टेट को, कि फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट का पोर्शन, ये थर्ड ऑक्टेट का पोर्शन, और वास्तव वाला फोर्थ, सही है। तो ये ऑक्टेट्स को सेपरेट करेंगे, ये आपके पास हैं डेसिमल वैल्यूज, DECIMAL, डेसिमल वैल्यूज। अगर आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल तो दो वैल्यूज है, आप इधर 8 वैल्यूज लिखेंगे, 8 बाइनरी डिजिट्स पुट करेंगे या बिट्स पुट करेंगे, तो 10 की वैल्यू आपके पास है 0 0 4 0 1 0 1 0 डॉट, आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 3 के लिए आपके पास लिखा हुआ है 0 1 2 3 1 0 1 1 1, दिस इज द बाइनरी कोड फॉर 23, और 19 का आपके पास है 0 0 0 1 0 0 1 1, तो ये आपके पास इसकी बाइनरी वैल्यूज है, ये जो ऊपर आप डेसिमल और ये आपके पास बाइनरी वैल्यूज सेव होती है। डेसिमल वैल्यूज में हम इस तरह लिखे हैं 10.1.23.19, और बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 8 बाइनरी डिजिट्स, 8 बाइनरी डिजिट्स, ये 18, 4 + 4 = 8, तो 8 बाइनरी डिजिट्स, 8 बाइनरी डिजिट्स, 8 8, अगर आप इन सब को, इन चारों को सम करेंगे तो ये आपके पास 32 बिट्स साइज बनेगी इसकी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आईपी एड्रेस का साइज होता है आपके पास 32 बिट होता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट आपके पास जो है, आपके पास आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं,
इसकी क्लासेस है चार, पांच क्लासेस रह चुकी आपके पास, उनको क्लास ए बी सी डी और ई तक पांच क्लासेस आपको आपके पास हैं। क्लासेस आपके पास कितनी है? फाइव क्लासेस आपके पास। आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है फाइव क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल एक है आपके पास क्लास नंबर ए, फिर बी है आपके पास सी डी एंड ई, फाइव क्लासेस। क्लास ए इसके साथ में लिख देता हूँ सी एल ए डबल एस क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास बी, सी एल ए डबल एस क्लास सी एंड क्लास डी एंड क्लास ई, ये फाइव क्लासेस आपके पास हैं। सही है, तो इसको आप शुरू करते हैं 1.0.0.0, ये यहां से स्टार्ट होता है 1 से 1.0.0 और ये जाता है अप टू 126.0.0.0.0.0. क्लास ए की ज्वेलरी है 1 से स्टार्ट होती है और 126 तक जाती है, और बाकी जो 3 है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जीरोस क्यों आ रहे हैं, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है और 126 तक जाता है। इस तरह क्लास बी जो है वो स्टार्ट होता है, क्लास बी 126 पे खत्म हुआ तो 128.0.0.0 से स्टार्ट होता है 2 कहां तक जाता है 191 255.0.0। सही है, ये आपके पास B क्लास की रेंज हो गई। C क्लास 191 पे खत्म होते हो तो 192 से स्टार्ट होगा 192.0000 और ये कहां तक जाएगा 192 से स्टार्ट होगा 223.255.0। सही है, फिर आपके पास जो D है, D कहां से स्टार्ट होगा? D आपके पास स्टार्ट होगा 224.239 है, 224.239। इस तरह आपके पास E जो है ये है 240 to 255, 240 से लेकर 255 तक। ये आपके पास 5 क्लासेस हैं आईपी एड्रेस की 44 बिट्स की। देखें 1 से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 1, फिर इसके बाद 1 की जगह आप 2 लिख दें, फिर 3 4 5 6 7 अप टू 126, तो ये आपके पास ए क्लास है 1 से स्टार्ट होता है। तो आप टू सेकंड आईपी एड्रेस है 2.0000, फिर 3.0000 आप जा सकते हो 126 तक, तो इसमें आपके पास 126 वैल्यूज आती हैं। तो अगर आपके पास क्लास ए है तो अगर आपके पास आईपी एड्रेस 1 है तो इट मींस ये क्लास ए है। अगर आईपी एड्रेस आपके पास इधर 2 लिखा हुआ है सिर्फ और बाकी जीरोस है, 3 जीरोस और 1 है तो मींस ए 2 है और 3 जीरोस तो ए 3 है और 3 जीरोस तो ए। इस तरह इधर 100 लिखा हुआ है 100.0.0.0 इट मींस ये क्लास ए को बिलोंग करता है। इस तरह 126 पे खत्म होता है, अगर 127 तो 128 अगर आया 128.000 तो इट मींस बी, नाउ दिस इज अ बी क्लास, और ये आखिर 191 से लेकर टू और यहां तक 255 तक इसमें वैल्यूज आ सकती हैं। सही, फिर इस तरह 195 ये 192 से स्टार्ट होता है और 223 और उसमें इसमें तीन वैल्यूज में आ गया आपके पास, ये समझा था कि 00 में। और इसमें ये जो ए है आपके पास आईपी एड्रेस ए, जब आप आईपी एड्रेस देते हैं सिस्टम्स को, कंप्यूटर को, एक्चुअली आप देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि डिवाइस को हम देते हैं नेटवर्क पे प्रिंटर या पढ़ा या कंप्यूटर, तो आप उनको आईपी एड्रेस देते हो, तो आईपी एड्रेस इस शेप में देते हो। अगर पहला कंप्यूटर है तो उसकी आईपी एड्रेस ये होगा 1.0.0.0। आपके पास दो कंप्यूटर है तो होगा 2.0.0.0, फिर 3 4 5। तो ये होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लार्ज कंपनीज हो आपके पास या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है बड़े इधारे हैं आपके पास कंप्यूटर ज्यादा है तो आप उसको देते हैं। ये जो बी और सी है ये मीडियम साइज के लिए है, बी और सी जो है आपके पास मीडियम साइज के, और डी और ई जो है ये कॉमनली जल्दी इस्तेमाल नहीं होते,
ये रिसर्च पर्पस के लिए या और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस के लिए उसमें इस्तेमाल होते हैं, डी और बी, ये आपके पास होते हैं रिसर्च के लिए, लेकिन ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। जर्नलिज आपके पास इस्तेमाल होते हैं, ए डी सी आपके पास ये तीन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अभी अगर आपके पास ये आपको ए बी सी आपने क्लास ए क्लास बी क्लास सी, अच्छा अभी आप याद रखें कि जो ए क्लास है उसको अगर हम बॉक्स में स्टार्ट बनाए, बॉक्स में ठीक है, मैंने इसको फोर में डिवाइड करी, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेटवर्क पोर्शन और एक होता है होस्ट पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। तो ए क्लास में पहला जो बॉक्स है ये आपके पास है नेटवर्क का पोर्शन और बाकी तीन आपके पास है होस्ट पोर्शन, सही, और ये जाएगा 126 तक। फर्स्ट इज नेटवर्क पोर्शन, इसके ऊपर नेम और ये एच और एच। अगर आपके पास क्लास ए है तो फर्स्ट 8 बिट्स होंगे, जो फर्स्ट 8 बिट्स होंगे बाइनरी, वो आपको शो करेगा नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईपी या नेटवर्क आईडी या नेटवर्क पोर्शन, और बाकी ये जो तीन होंगे ये होस्ट के लिए होंगे। फर्स्ट जो होगा नेटवर्क का होगा, तीन होस्ट होंगे। बी क्लास में क्या होगा आपके पास, बी क्लास की आईपी एड्रेस जो होगी आपके पास, उसमें पहला भी आपके पास नेटवर्क, सेकंड भी आपके पास नेटवर्क, इस तरह से ये उसका आखिरी, ये उसका मिनिमम स्टार्ट है और ये उसका मैक्सिमम है। तो इसमें भी ये उसका मैक्सिमम में पहले दो नेटवर्क नेटवर्क और लास्ट दो होस्ट होस्ट है आपके पास, सही है। तो सी जो है आपके पास सी, इसमें पहला भी नेटवर्क, दूसरा भी नेटवर्क, थर्ड भी नेटवर्क, लास्ट वन आपके पास होस्ट की आईडी होती है या आईपी होती है, या आप उसको पोर्शन बोलते हो, आपके ग्रुप में पोर्शन लिखा हुआ है पोर्शन, और ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि आखिरी कहां तक जा सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम में लिखा हुआ 23, ये आपका नेटवर्क का पोर्शन हो गया, ये भी नेटवर्क का पोर्शन, ये भी नेटवर्क का पोर्शन, और ये आपके पास है होस्ट का पोर्शन। इसमें एक पोर्शन आपके पास है जो कि आपके पास है होस्ट का पोर्शन आपके पास, डी और ई में हम नहीं पढ़ रहे। अभी अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है डी और ई, मिटाता हूं इसको, मैं नहीं मिटाता एबीसी को, और एक आईपी एड्रेस आपको मैं लिख के देता हूं कि आपसे पूछा गया है कि 137.20.10, ये आईपी एड्रेस आपको दिया गया है 137.20.20.10, चार ब्लॉक्स में आपको दिया गया है, आपको पता है क्या आईपी एड्रेस 4 ब्लॉक्स में होता है। तो ये किस क्लास का है, ए में आता है, बी में आता है या सी में आता है, विच क्लास को ये, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो सिंपल है, आप इसका फर्स्ट पोर्शन उठाएं, इस वैल्यू को चेक करें कि ये कौन सी क्लास में, वेरी इजी, समझे इसको, पहला पोर्शन उठाएं, बाकी को मत ध्यान दो, पहला पोर्शन उठाएं, कौन से क्लास में आता है, 192 से कम है, 128 इससे बड़ा है, और अगर 1 से लेकर 127 तक, तो ये इसमें नहीं आ रहा। अभी 128 से 191 ये इसके बीच में आ रहा है, 128 और 191 के बीच में आ रहा है, तो इट मींस इट बिलोंग्स टू बी क्लास, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप बता सकते हो कि ये बी क्लास का आईपी एड्रेस है। इस तरह आपको एक और आईपी एड्रेस दी गई है, दिस इज 201.100.10.1, फॉर एग्जाम्पल ये आईपी एड्रेस आपको दी गई है 4 ब्लॉक्स में 201.100.10.1, अगेन चार पोर्शन होता है, आपको पता है कि आईपी एड्रेस के चार पोर्शन होते हैं, आप अगेन वही पहला पोर्शन उठाएंगे, इसको चेक करें कौन से में आ रहा है, ए में, बी में या सी के रेंज में आ रहा है। तो ये 201 है, आपको आपको पता है कि 1 जो है 1 से स्टार्ट होता है 126 तक जाता है, तो ए में तो नहीं आ रहा। बी देखें 128 टू 191 दिख रही है, तो 200 में है, इसमें भी नहीं आ रहा। 192 193 इसके बाद 200 और 223 और ये 201 है, तो ये इसका मतलब है कि ये आपके पास सी क्लास में आ रहा है, ये आईपी एड्रेस है, ये सी क्लास की आईपी एड्रेस है, सही है।
आप एक क्लास के लिए अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस दी गई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100.20.20.6 चाहिए, तो 100 आपसे पूछा गया, आप 100 को चेक करें कौन से क्लास में आ रहा है, ए बी या सी में। ए स्टार्ट होता है 1 से और खत्म होता है 126 पर, तो 100 से इसके बीच में नहीं आ रहा, 100 इसके बीच में आ रहा है, तो इट मींस दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू ए क्लास। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास की है और कौन सी क्लास को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसमें हम और एग्जांपल करेंगे और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम फाइंड करेंगे कि नेटवर्क आईडी इसकी कहां तक होगी और ए क्लास की नेटवर्क आईडी कहां तक होगी, कैसे फाइंड करेंगे, बी क्लास की और सी क्लास की नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करेंगे और सब नेट मास्क क्या होता है। इंशाल्लाह इस टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में फिर ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए फिर आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।